हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब हब। माय नेम इज़ विशाल कुमार एंड आज हम IBPS RRB मेंस के लास्ट ईयर के हिंदी सेक्शन में आए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आपको हिंदी सेक्शन में देखने को मिलेंगे वो होंगे त्रुटि पाएँ, मतलब फाइंड द एरर्स। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को। जिस प्रकार के आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में चमत्कार आ जाता है। तो इसमें देखें तो जिस प्रकार से आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा होता है, शरीर में शोभा नहीं होता, तो इसलिए इसका एरर हुआ बी। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सब कर सकते हैं। सेकंड, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय का सदुपयोग नहीं होता, समय के सदुपयोग के द्वारा, तो ए में होगा एरर। थर्ड क्वेश्चन देखें, आप लोग खुद देखिए। अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। इसमें आप बताएं कोई एरर है या नहीं है। यस, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मनुष्य राष्ट्रप्रेमी होता है उसको देश की एक ना एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। एक ना एक नाम का कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए इसमें एरर होगा सी। शीर्षक को छोटा, आकर्षित तथा विषय से संबंध रखना चाहिए। रखना चाहिए कौन रखेगा, यहाँ होना चाहिए होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में होता हमें उन्हें इसे, तो होता रखना चाहिए, तो इसलिए इधर होगा होना चाहिए, एरर होगा डी में। सेकंड टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा संवेदन पुनर्गठन, जिसे इंग्लिश में हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को। इस टाइप के क्वेश्चंस में मेनली हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, ऑप्शंस को देख के हम एलिमिनेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं इनमें से फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। रियाशी देवगढ़ में यह खेल कौन सा खेल, तो ए तो हो नहीं सकता। फर्स्ट, एक दिन नए फैशन वालों की सूजी की आपस में होकर खेल हो जाए, ये फर्स्ट हो सकता है। संभव है कुछ हाथ की सफाई ही काम आएगी, ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। चलिए तय हो गया, ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। यह प्रस्ताव कौन सा प्रस्ताव, ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। तो इससे पता चला कि बी तो फर्स्ट सेंटेंस होगा ही होगा। तो ऑप्शंस में देखें, बी से दो ऑप्शन है, तो अब इससे आगे चलेंगे। फर्स्ट सेंटेंस होगा बी, सेकेंड होगा ई। अब थर्ड क्या होगा ये हमें पता करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट है, एक दिन नए फैशन वालों की सूजी की आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया, यह भी तो आखिर एक विद्या है, क्यों छिपा रखें। अब थर्ड क्या होगा देखते हैं, सी हो सकता है क्या। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए, हो सकता है। और ए हो सकता है, रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी, ये बिल्कुल जनरल सेंटेंस है, ई के बाद ये फॉलो नहीं कर रही, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा सी। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्टी देंगे आपको, इंग्लिश में भी बहुत मुश्किल होते हैं पर हिंदी में थोड़े से ट्रिकी होंगे जो कई बार हिंदी यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ पॉज द वीडियो और ये क्वेश्चन खुद ट्राई करें। आंसर आपको दिया गया है नीचे, खुद ट्राई करें, उसको समझने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन को भी आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टाइप के टॉपिक जो आपको देखने को मिलेंगे हिंदी सेक्शन में वो होंगे विषम शब्द का चयन करें, मीन सिनोनिम। एक्चुअली हम सबको याद होना चाहिए विषम शब्द होता क्या है। अब कई को विषम शब्द नहीं पता, वो देखते हैं इसमें क्या ढूंढे, एंटोनिम ढूंढे, सिनोनिम ढूंढे, ओड वन आउट करें। तो याद रखें विषम का मतलब होता है सिनोनिम्स। अर्पण का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, तो इसलिए इसमें देख अर्पण करना, किसी को देना, तो इसमें देख ग्रहण करना होता है स्वीकार करना, अर्जित करना इकट्ठा करना, अंगीकरण करना लेना, समर्पित करना होता है किसी को देना अर्पण करना, तो इसका आंसर हुआ डी। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, उदय होना, और इसमें भी देखा है उद्यप्त का मतलब भी होता है प्रकट होना। ये थोड़े थोड़े शुद्ध भाषा के हिंदी यूज हो जाएंगे और वो हमें ट्रिकी लगेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन का छोड़ देना अगर आपको नहीं आते, बिल्कुल नेगेटिव मत करना, या फिर आपको अगर इन सबका मतलब पता है तो ही इनको टिक करना। नेक्स्ट टाइप के टॉपिक जो देखने को मिलेंगे वो होंगे स्पेलिंग एरर्स। तो देख सकते हैं इनमें अतिथि, अध्यात्म, अत्योष्ट, अनुग्रहित, अधीक्षक। आध्यात्म नहीं होता, होता है अध्यात्म, छोटा आ आता है ना कि आ, तो इसमें हुआ बी में एरर। इसमें देखें निरोग हम सबको पता है, हम कई जगह देखते हैं ये वर्ड, इसमें बड़ा नए के ऊपर बड़े ई की मात्रा आती है, निरोग, तो ये हो गया इसमें। इसमें देखें रासायनिक कुछ होता है रासायनिक, उस वर्ड को एक बार अच्छे से बोलो, तीन चार बार बोलो, आप समझ जाओगे इसमें दिक्कत आ रही है, रासायनिक कुछ नहीं होता है। इसमें देखिए जयंती, हम कई बार ये वर्ड देखते हैं जयंती, गांधी जयंती, तो आधा जय आता है ना कि पूरा जय, तो इस प्रकार इसमें एरर हुआ। ये क्वेश्चन इजी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ईजी जाएंगे और इसलिए हिंदी की कट ऑफ भी बड़ी हाई जाती है।
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलेंगे वो होंगे क्लोज टेस्ट। ये बहुत इजी होंगे और मैक्सिमम बच्चे इसे फुल मार्क्स ले आते हैं हिंदी में। चलिए हम भी इस क्लोज टेस्ट को ट्राई करते हैं। संस्कृत भाषा भारत देश की सबसे डैश भाषा है, क्या हो सकता है? सामग्री, सामग्री, प्राचीन, प्रयोग या सरल? भारत की सबसे पुरानी भाषा है, पुरानी सरल प्राचीन भाषा है, तो इसका हुआ प्राचीन। इसी में देश को दूसरी भाषाएं निकली हैं। सबसे पहले भारत में संस्कृत ही बोली गई थी। आज इसे भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक के रूप में क्या किया जाता है? सूचीभूत किया जाता है, मतलब लिस्टेड है ये। ओके, नेक्स्ट क्या है? उत्तराखंड राज्य की यह एक क्या भाषा है? यह एक प्रयोग भाषा है, मतलब बहुत ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। भारत देश प्राचीन ग्रंथ की डैश संस्कृति में हुई थी। भारत देश की प्राचीन ग्रंथ की रचना संस्कृति में हुई थी। संस्कृति हमारी लेटेस्ट सबसे पुरानी भाषा है, जितनी भाषाएं हैं वो संस्कृति में से निकली है। यह भाषा बहुत सी भाषाओं की जननी है, मतलब इस संस्कृत से ही कई सारी भाषाएं निकली हैं, हम आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, जननी है। ठीक है, इसके बहुत से शब्द से अंग्रेजी शब्द बने हैं। महाकाल काल में वैदिक संस्कृति का प्रयोग होता है। संस्कृत आज देश की कम बोले जाने वाली भाषा बन गई है, लेकिन इस भाषा की डैश को हम सब जानते हैं क्या? इस भाषा की गर्मता को, जटिलता को, सहजता को, महत्वता को, मतलब इस भाषा की महत्वता को, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब ऊपर दिया गया है किसकी, इसमें से ही सारी भाषाएं निकली हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसकी महत्वता को। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसके द्वारा ही हमें दूसरी भाषा सीखने को मिली है। देखो इससे हम यहाँ निकाल सकते हैं क्या होगा। संस्कृत भाषा बहुत सुंदर भाषा है, ये कई सालों से हमारे समाज को डैश बना रही है। क्या बना रही है? सुसंस्कृत। मैक्सिमम क्या कहते हैं तुम, बहुत संस्कृत, संस्कृत को एक तरीके से नॉर्म ट्रेडिशनल भाषा मानी गई है। ठीक है ना, इसलिए हुआ सुसंस्कृत। अब सुसंस्कृत का कईयों को मतलब नहीं पता, तो उस टाइम इसको छोड़ दो, अगर आपको पता है तो करो। भारत के इतिहास में सबसे डैश और डैश सामग्री शास्त्रीय ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मूल्यारण और डैश सामग्री, सबसे दर्द दृश्य। अब ये सब कुछ वर्ड हैं जो कई बच्चों को नहीं पता होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बुक बताऊंगा, किरण पब्लिकेशन, उसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं स्टार्टिंग में। अब उन सब वर्ड को एक बार प्लीज़ एग्जाम से पहले अपने माइंड से होकर निकाल लें, ताकि आपको एग्जाम में ईजी रहे। किरण बुक में सबसे कहूँगा प्लीज़ फॉलो करें, बहुत अच्छी बुक है हिंदी सेक्शन के लिए, और उसको करने के बाद आराम से 40 में से 35-36 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, प्लीज़ कमेंट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर अपकमिंग एग्जाम्स एंड रिजल्ट।